प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24वें घंटे के अंदर एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने आज सुबह सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने संगरेड़ी में 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने यहां रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनकी आंखों में चुभता क्यों है? उसका कारण है, मैं उनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटालों का पोल खोल रहा हूँ। पीएम ने कहा, मैं इनके परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं। वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है, सत्ता पर कब्जा करने की छूट है, मोदी प्रधानमंत्री ने आगे बोला। विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के लिए जमीन आसमान बेच दिए और अपनी कोठियां बनवाई। मैंने आज तक अपना घर भी नहीं बनवाया है। और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना, तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के, निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट।
ये है विचारधारा की लड़ाई।